कविता भाभी का नाम आता है तो हॉट एंड सेक्सी अदाओं वाली हसीना की तस्वीर सामने आती है। शायद कविता की इन्हीं बिंदास अदाओं ने उन्हें भारत की किम क्रदर्शियन के टाइटल से नवाजा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि डेली मिरर के एक सर्वे में लोगों ने कविता राधेश्याम को इंडिया की किम क्रदर्शियन बताया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने उन्हें चाइना की एंजेला बेबी, ऑस्ट्रेलिया की लीना अयूबी, आयरलैंड की शाहिरा बेरी और रशिया की एनस्टीसिया क्विटिको भी बताया है। आपको बता दें कि बी ग्रेड फिल्म और वेब सीरीज के जरिए कविता भाभी के तौर पर फेमस हुई कविता का असली नाम कविता राधेश्याम है, जिन्होंने 5 घंटे में 5 करोड़ फिल्म से डेब्यू किया था साल 2010 में। वही साल 2014 में उन्होंने मराठी फिल्मों में किस्मत आजमाई। इसके बाद कन्नड़ फिल्म रागिनी आईपीएस में दिखाई दी, तमिल फिल्म कोमाली में भी उन्होंने काम किया, पर असल पहचान बनी उल्लू वेब सीरीज की कविता भाभी से, जिसके बाद कविता घर घर में फेमस हो गई। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से कविता भाभी को बिग बॉस का ऑफर भी मिला, पर कविता भाभी ने उसे नकार दिया। कविता के साथ जितनी बिंदास इमेज जुड़ी है उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। साल 2014 में आई एक फिल्म के लिए तो थलाइवर रजनीकांत ही उनसे नाराज हो गए थे। इस फिल्म का नाम था मैं हूँ रजनीकांत, जिसके खिलाफ खुद रजनीकांत अदालत तक चले गए थे। बाद में फिल्म का नाम बदलकर मैं हूँ पार्ट टाइम किलर रखना पड़ा। इसके बाद कविता भाभी LGBT कम्युनिटी पर कमेंट करके विवादों में घिरी थी। इसके बाद दोबारा सुर्खियों में वो तब आई जब पशु हिंसा के खिलाफ सेमी न्यूड होकर उन्होंने एक फोटोशूट करवाया था। इस फोटोशूट के बाद कविता के कुछ और सेमी न्यूड फोटो वायरल हुए हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने ये कहकर शिकायत दर्ज कराई कि कोई उनकी फोटोज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि कविता को बाइक चलाने का बेहद शौक है। वो जब भी फ्री होती हैं तो बाइक की सवारी पर निकल जाती हैं। अपनी इसी अलहदा स्टाइल के चलते कविता सबकी भाभी बनी हुई है।